दिवाली और छठ पर्व के मद्देनजर जनपद की सभी पुलिस चौकी प्रभारियों की बैठक एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा सहित सभी थाना के चौकी प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि सभी चौकी प्रभारी अपने क्षेत्रों में सुरक्षा का खाका तैयार कर दीपावली और छठ पर्व को सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करें तथा त्योहारों को सकुशल संपन्न कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। अगर पूरे गोरखपुर में 4000 केस लंबित थे तो इस बार कम से कम 2500 या 3000 केस ही लंबित होने चाहिए। कंसीडरेबल विवेचनाओं में कमी होनी चाहिए। घटनाएं हैं उस पर फोकस करिए और गुणवत्तापूर्वक ढंग से अपनी विवेचनाएं समाप्त करिए। नंबर दो है त्यौहार, आपको पता है, साथ ही साथ ये आपका धनतेरस है और खासतौर से अभी फरेना में लूट हो गई है, चौकी अफसर उधर के आए हुए कर्मी वगैरह उधर के ईमानदारी से उन चीजों को लागू कर दीजिए जो आपको डायरेक्शन, खासतौर से ये जो हमने आई कार्ड, एंटीबैड और अवतार बनाई है, आपको हम हर रोज भेजते हैं सत्यापन, और आप बंदा मत भेजिए, आप उनके साथ मोबाइल फोन चिपका दीजिए, बोलो मोबाइल फोन चौकी से मिलाया जाएगा, अगर दिन में 2 बार मिलाया और नहीं उठा तो हम मान के चलेंगे सर तुम कहीं चोरी करने गए, कहीं लूटपाट करने गए। हफ्ते में एक बार फिजिकली देख लीजिए, हफ्ते में 1-2 बार, और रोज जो है 2-2 फोन मारे सुबह दोपहर शाम, आपको ऑटोमेटिक पता रहेगा बंदा डरा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अदरवाइज यही लोग जेल से छूटते और फिर यही नकबजनी करते हैं, यही लूटपाट करते हैं, नए लोगों को 5% होते हैं। तीसरी चीज है जनरल, आपको अलर्ट रखना है अपनी लाइन ऑर्डर प्रिपेयरनेस, दंगा नियंत्रण प्रिपेयरनेस, वो सब आपको डिस्कस कर दी गई होगी। दंगा नियंत्रण प्लान आपको चौकियों का आपके पास होना चाहिए, नफरी का उसमें बता दिया गया है, अभी बहुत सारे कल काले थानेदारों को भी बना के दिया गया है, आपको भी दे दिया गया है, कैसे आप अपनी नफरी इंक्रीज कर सकते हैं, होंगे या 1-2 मोहल्ले होंगे वो सिपाही लगा दीजिए, शांति समिति के मेंबर्स बाई नेम उनकी ड्यूटी लगाइए, एनसीसी पकड़िए, वहाँ जिम शिम है, बच्चे बच्चों को शामिल करिए और एक अच्छी सी शांति समिति बना करके आपका काम उसी से चल जाएगा। देर रात कल सभी थानेदारों और सीओज की, गजेटेड अफसर्स की मीटिंग की गई थी, जो कि मंथली मीटिंग होती है क्राइम लॉ एंड ऑर्डर पर, और त्योहारों को लेकर के सतर्कता बनाए रखने के लिए और जो भी एक सुरक्षा की योजना है और उस पर काम करने के लिए सबको हिदायत दी गई है और मंथली टारगेट्स रिव्यू किए गए हैं और जनता को और ज़्यादा हम इसमें कानून व्यवस्था में सुधार ला सकें इस बात के प्रयास किए गए हैं। उसी अनुक्रम में इस समय दिन में आज सभी चौकी अफसर जो पूरे जिले के हैं उनको बुला करके सेम ब्रीफिंग दी गई है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही ऑफिसर्स बुलाए जा सकते हैं, तो रात में SHOs बुलाए गए थे और अभी चौकी अफसरों को बुला करके इनको मंथली ब्रीफिंग दी गई इनकी। सर, बिहार से का त्यौहार होता है छठ और काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं दीपावली में मनाने आते हैं, उसको लेकर के जो आने जाने वाले लोग हैं स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर या इस सार्वजनिक स्थानों पर जो सार्वजनिक स्थान है उस पर क्या होगा? जी बिल्कुल, सभी को फुल अलर्ट घोषित किया गया है और सभी हमारे यहाँ आपने देखा ही है शासन स्तर से छुट्टियाँ कैंसिल की गई हैं और त्योहारों पर, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से भी यही गुजारिश करेंगे, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत डायल 100 या पुलिस को इत्तला करें और या नज़दीकी पुलिस पोस्ट को इत्तला करें और आपसी शांति, सद्भाव और भाईचारे के साथ सभी त्यौहार मनाएं।